वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे आप? ठीक ठाक? आई होपफुली, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर वन क्लास इंटरमीडिएट का लेकर आया हूँ, चैप्टर नंबर टू हाइड्रोजन का। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि हाइड्रोजन बेचारी सिंपल है, शादी के मेरी तरह, और वो बेचारी बेघर है, उसका कोई भी घर उसका नहीं है। इसका मतलब ये है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल इज अनडिसाइडेड अंटिल। अभी तक के हाइड्रोजन की जो पोजीशन वो अभी तक डिसाइडेड नहीं हो सके, इसलिए वो बेचारी बेघर है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर टू, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा सिमिलरिटीज प्रॉपर्टीज विद अल्कली मेटल्स, सिमिलरिटीज प्रॉपर्टीज विद अल्कली मेटल्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज विद हेलोजन, सिमिलर प्रॉपर्टीज विद हेलोजन एंड आल्सो सिमिलर प्रॉपर्टीज विद ग्रुप 4, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज विद ग्रुप 4। सो गाइस, सारा हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहां जरा, बिफोर 17th सेंचुरी के पहले जो कंसीडर किया गया था, जो वाटर था, वाटर मॉलिक्यूल, उसको हम एज ए एलिमेंट कंसीडर करते थे। प्यारे बच्चों, ये बात आपको जहन में होनी चाहिए। 17th सेंचुरी के सेंचुरी से पहले वाटर को एज ए एलिमेंट कंसीडर किया जाता था। उसके बाद थर्ड मोस्ट अबंडेंट सरफेस ऑफ द ग्लोब, हमारे सरफेस में ग्लोब में थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन का। इट इज कंसीडर्ड एज ए फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, एज ए रिसोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन के मीथेन गैस है, उसमें भी हाइड्रोजन है, वाटर है, उसमें भी हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसको फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ये तो जाहिर बात है। इन 1766 से हेनरी कैवेंडिश व्हिच डिस्कार्डेड द आइडिया ऑफ वाटर कंसीडर्ड एज एलिमेंट। 1766 में ये डिस्कार्डेड किया गया था, उसको रद्द किया गया था कि भाई वाटर जो होता है वो एज एलिमेंट नहीं होता। सो गाइस, वाटर इज मेड बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। इट मींस वाटर, द कंपोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो गाइस, इन 1783 एंटाइन वाइजर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि वाटर जो है वो कंपाउंड है, कंपाउंड इज इट मींस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। प्यारे बच्चों, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये था इंट्रोडक्शन हाइड्रोजन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन के बारे में और वाटर के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी मैंने जो आपको बताया। सो गाइस, चलते हैं आगे। हाइड्रोजन रिजेंबल विथ अल्कली मेटल्स, कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स के साथ रिजेंबल करती है? सो जरा यहां देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन रिजेंबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, अल्कल मेटल्स जो होते हैं उनके भी वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। प्यारे बच्चों, जरा यहां देखते हैं, हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 है 1s2, लिथियम का एटम नंबर है 3 1s2 2s1, इसके भी लास्ट में भी 2s1 है, इसमें भी 3s1 है, जैसे कि सोडियम का मैंने एग्जांपल दिया है। उसके बाद हाइड्रोजन का भी 1s1 है। सो इसी तरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कॉन्फिगरेशन भी इसकी सेम है। सो गाइस, चलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। इट मींस हाइड्रोजन जो है द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट द पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन के पास भी एच पॉजिटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर होता है, वो यूनि पॉजिटिव आयंस मतलब बनाते हैं, यूनि मींस वन पॉजिटिव आयन बनाते हैं हाइड्रोजन भी। इसी तरह अल्कल मेटल जो होते हैं, सोडियम में Na+1 एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। चलते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज में, फोर्थ नंबर, सॉरी फोर्थ नहीं, थर्ड नंबर कहां गया, कहां गुम हो गया, शायद मुझसे गलती हो गई है, थर्ड नंबर मैंने नहीं लिखा, फोर्थ लिखा है आई थिंक। चलो कोई बात नहीं है, हो जाता है इंसान कभी कभार। थ्री नंबर है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट हुई दो
इट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट द सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट टू गिव द NaCl एनी पॉजिटिव NaCl नेगेटिव एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी अल्कली मेटल जो होती है उसकी प्लस वन होती है प्यारे बच्चों। इसी तरह हाइड्रोजन की भी प्लस से वन होती है उसकी चार्ज। पोटाशियम है उसकी भी क्या होती है प्लस से वन होती है। सो देखते हैं पॉइंट नंबर फोर सिमिलरिटीज जो कॉम्बिनेशन होते इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हाइड्रोजन कंबाइन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म द अमोनिया हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होते इट मींस पोटेशियम टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड इट मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करती है जैसे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम अल्कली मेटल नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लिथियम नाइट्राइड बना रहा है। इसी तरह से इट मींस हाइड्रोजन सल्फाइड भी बना रहा है इट मींस हाइड्रोजन सल्फर के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है सोडियम भी रिएक्ट करके सोडियम सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। इसी तरह इट मींस अल्कली मेटल भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ भी रिएक्ट करती है और अल्कली भी करते हैं हाइड्रोजन भी करते हैं इट मींस दोनों सिमिलर प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाती है प्यारे बच्चों। सो चलते हैं आगे डिसोसिएशन ऑफ वाटर भाई देखें जरा अकॉर्डिंग टू लाइक दिस लाइक के बुनियाद पर हमने डिस्कस किया था पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है। सो यहां देखिए जरा both hydrogen and alkali metals for ion compounds which dissociate या sodium hydride NaH sodium क्या है alkali metal है hydrogen है या sodium या भी alkali metal है sodium chloride sodium chloride जब water में हम dissociate करते हैं तो वो water में आसानी से dissociate हो जाती है Na plus OH negative और H2 में। उसके अलावा पॉइंट नंबर सिक्स लास्ट सिमिलरिटीज प्रॉपर्टीज विथ अल्कली मेटल्स एंड अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन भी एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट और भी अपना रोल अदा करती है। बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट जरा यहां देखिए रिडक्शन हुई है प्लस टू से जाके जीरो पे गई है इट मींस कॉपर और उसके अलावा हाइड्रोजन की जीरो से लेकर प्लस वन तक उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और भी रोल अदा करता है। इट मींस सिमिलरिटीज प्रॉपर्टीज बिटवीन अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन सॉरी अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन के बीच जो हमने मतलब सिमिलरिटीज बयान की उसके बाद हम जिक्र करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल से। सो गाइस आई होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई डिफिकल्टी हो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे भी मैं ऐसे ही कहता हूं कि क्वेश्चन करने से 40% बच्चे की जो स्टेट वो कंप्लीट होती है। सो मुझे तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। सो दो याद रखिएगा अलेने के बाद।